फैमिली कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और अभी मैं अपने रिचवानी में आई हूँ और कुछ काम था, क्योंकि वीडियो अपलोड ना घर में हो नहीं रहा था और मैं सोची कि क्यों ना रिचवानी में आती हूँ, नेटवर्क देखती हूँ। पर यहाँ पर नेटवर्क पूरा फुल है और घर रूम में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं जब भी आती हूँ तो मेरे सब्जी वाला बगीचा में करती हूँ, पर सब्जी वाला बगीचा में भी नहीं हो पा रहा था। फिर इधर आई हूँ तो इधर पूरा फुल नेटवर्क था, तो फिर यहाँ पे डाउनलोड की हूँ तब जाके हुई है। और मेरे गले में इतनी दर्द हो रही है ना, सर्दी जुकाम की वजह से, मैं क्या बताऊँ। इतनी दर्द हो रही है, सर कान इतनी दर्द हो रही है। मम्मी से ना कान में सरसों का तेल डलवाई हूँ मैं, बहुत लोग डलवाते हैं। और गले तो थूक से, मतलब थूक घोटाया नहीं जा रहा, थूक थूक घोट रही हूँ तो गले में दर्द हो रहा है। तो अभी गाची भी डाउनलोड हो चुका है मेरा वीडियो और यहाँ पे गाना बज रहा, हो सकता कॉपीराइट भी आ सकती है, पता नहीं। तो अभी मैं यहीं पे हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे मेरा बचपन कैसा बीता है। तो गाइज ये ना हमारे हनुमान जी का मठ है, जो हम लोग बचपन में बहुत यहाँ पे खेलते थे, कूदते थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे हम लोग। यहाँ पे दाला भाता खेलते थे हम लोग। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग दाला भाता खेलते हो कि नहीं खेले हो। हम लोग तो बहुत खेले। यहाँ पे एक यहाँ के अंदर कमरा है, वे जो बड़े वाले बाबा थे ना, वो साधु संत थे, तो यहीं पे आके रहते थे। और वहाँ पे कल होगा, वो कल है। और हम लोग सारे बहन सारे भाई बहन यहाँ पे आके बहुत ही मस्ती करते थे। बचपन याद आ गया यहाँ पे आकर। तो यहाँ पे जब इसी टाइम पे बाबा लोग या पापा लोग बोलते थे कि जाओ तुम लोग लीची ले सो, रखवारी करना या आम रखवारी करना, तो हम लोग यहीं पे हम लोग आते थे, खेलते थे और लीची और बागवानी का हम लोग रखवारी करते थे। बचपन में बहुत छोटे थे हम लोग, मतलब 10-12 साल के थे तब। और यहाँ पे दाला भाता खेलते थे हम लोग। यहाँ पे एक रूम है अंदर, छत पे चले जाते थे हम लोग। अभी तो बहुत चीज़ें बदल चुके हैं, तो बहुत बदल करते थे। तो गाइज अभी जा रहे हैं छत पे। और हमारे घर में क्या होता है कि अगर खेत से आओ चाहे रिचवानी से आओ, पैर धो के जाना है। कहते लोग अगल मुतल से वहाँ पे हंकता है मुझता है और ऐसे जाओगी। तो बाहर से हम लोग हमेशा बचपन से ना हम लोग हमेशा बाहर के कल पे हम लोग पैर हाथ धो के जाते हैं। और ये देखो बड़ी मम्मी का इतना नींबू रखा हुआ है, इतने सारे नींबू है। जा रहे छत पे, थोड़ा पानी गलगला करेंगे। गला इतना दर्द कर रहा है ना कि क्या पता। इशिका गई है अपने दोस्त के साथ, भैया के बेटे के साथ खेलने। छते छत पे बड़े नाश्ता कर लेती हूँ। मम्मी पराठा बनाई है, रोटी पराठा सॉरी पराठा सब्जी खाती हूँ मैं। मेरा सर इतना दर्द कर रहा है क्या बताऊँ, बहुत दर्द कर रहा सर। तो गाइस मैं नाश्ता कर चुकी हूँ और इशिका ये क्या कर रहा है। तो इशिका ये रही और मेरा गला और बसते जा रहा, मतलब खराब होते जा रहा। मैं नाश्ता करके बाहर थोड़ा सा लेट गई, भी थक गई थी क्योंकि सर वर इतना दर्द कर रहा था। तब वही बोली कि माथा में तेल लगाओ, मैं सर में तेल लगाई हूँ, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला है मुझे। तो गाइस यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ मैं, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना। क्या ठीक है पापा जी, ना खाला मिठाई इधर इसमें आपसे पूछ। आप किधर देखा समय में तो दूध भी ले आई, 2 किलो पूजा के लिए ला के हूं, अढ़ाई किलो मैं की करके लूंगी ना। हां नीचे ऐसे नहीं करते आप, क्या हो गया दिखाओ ना। लगती है।